हमारे साथ हैं श्री भगवान जो कासनिया हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो पूरे फूले की खेती के ये एक आइकॉन है, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके का इनका आइडिया आया और कैसे ये सारा जो पूरी व्यवस्था हुई। ये जी बचपन से ही मेरे को ये शौक था फूल पौधों का कुछ करें, तो मैं इधर गया था एक बार पुष्कर घूमने के लिए। वहाँ पर देखा, किसानों को पूछा भी कैसी खेती है, उन्होंने बताया बहुत अच्छी आमदनी है, तो उनकी से प्रेरणा लेके हमने ये 1.25 एकड़ में लगाया है, तो अच्छी आमदनी है इससे। और किसान जो किसान भाई आजकल आत्महत्या कर रहे हैं कर्जा के कारण, पुरानी खेती के कारण, तो किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि ये परंपरागत पुरानी खेती छोड़ के और ये नई खेती करके देखें। ठीक है, अच्छा। तो इसमें आप तीन तरह की जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि एक गीला गुलाब है, सूखा हुआ गुलाब है और जो कलम है, तीनों से अलग अलग आप जो इनकम ले रहे हो वो कैसे ले रहे हैं? तीनों से ऐसे जी गीला गुलाब तोड़ के हम सिरसा पहुँचाते हैं, वहाँ पर 70-80 रुपये से लेके 200 रुपये से सीजन, जैसे सीजन चल रहा था पीछे दिवाली का, तो उस टाइम 200 रुपये तक ये था। और सुखा के अगर वहाँ पर ये ऐसा है कि हम वहाँ पर लेके जाते हैं, क्योंकि दुकानदार कहता मैं नहीं लूँगा, तो ये खराब गहने के योग्य नहीं होता, आप यहाँ वहाँ पर आप वापस आके और उसको सुखा के बेच सकते हो जी। और उसकी मेन मार्केट सुखा के बेचने की है जी 20 करोड़ अजमेर। हाँ जी, वहाँ इस सूखे गुलाब से क्या कोई इस तरीके कोई सेंट वगैरह या कोई इत्र वगैरह? इत्र, उससे इत्र निकलता है और गुलकंद भी बना के तैयार करते हैं वो वहाँ पे, वो बेचते। और गीला गुलाब है, कलम भी आप तैयार करते हो? हाँ जी, कलम करते हैं। जैसे कि अभी ये पौधे बड़े बड़े हो गए ना, इनको कटाई करेंगे तो ये झाड़ फेंकने नहीं पड़ेंगे, इसकी कलम में तैयार करके हम बेचते हैं। जी जी, ये थे हमारे साथ जो श्री भगवान कासनिया हैं हमारे साथ, जो ये पूरे गुलाब की खेती का जो संचालन कर रहे हैं। हालांकि इनका एक ग्रुप है 5 लोगों का, जो ये 5 किसान हैं जो एक मिलकर के खेती बाड़ी करते हैं सारी। ये गुलाब की खेती इन्होंने की हुई है, हम आपको एलोवेरा की खेती के बारे में भी दिखाएंगे, वो एलोवेरा की खेती भी इन्होंने की हुई है। ये किसानों के लिए, पूरे सिरसा ज़िले के किसानों के लिए एक अलग तरीके का मैसेज है, जहाँ आज जो खेती है वो घाटे का सौदा लगातार होती जा रही है, कॉटन है या पैडी वगैरह, जो हालांकि सिरसा इसका हब है, लेकिन लगातार जो खेती में रोग आने के कारण एक किसानों पर जो मार पड़ रही है, दूसरा एक जो भाव बहुत कम मिल रहे हैं, तो ये किसानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये परंपरागत खेती छोड़ करके कुछ अलग तरीके की खेती करें। ये भी जो किसान हैं वो अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा ये बन रहे हैं, जो 5 किसान हैं जो लाखों रुपए की ये जो इनकम कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इनके पूरे जो खेती के जो है नज़रिया, जो किस तरीके से ये करते हैं। हमारे साथ हैं पूरे किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे, दिखाएंगे हमें कि किस तरीके के ये जो ये की जा रही है खेती की जा रही है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये देसी गुलाब की एक वैरायटी है जो बहुत अच्छा जो यहाँ लिहाज से माना जाता है, और इसकी जो है पकड़ है और इसकी खुशबू है उसको लेकर के इसके अच्छे दाम यहाँ जो सिरसा में ही मिल रहे हैं। हम बात करेंगे ये जो हमारे साथ किसान है, जो किस तरीके की ये जो आपने की हुई है, कितने एकड़ में है ये पूरा? ये पूरा 100 एकड़ में है जी, और 1.5 साल इसको लगाए हुए हो गए हैं और लगभग 5,000 पौधे लगे हैं इसमें और अच्छी इनकम हो रही है। कितने रुपए आप कमाते हैं इसमें? हम लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक सालाना कमा सकते हैं। और इनको बेचने के लिए सिरसा जाते हो आप? हाँ, इसको बेचने के लिए सिरसा जाते हैं, इधर भादरा भी पहुँचा देते हैं और यहाँ पर लोकल भी गुलाब लग जाता है। आसपास के जो यहाँ मंडी है उसके अलावा यहाँ राजस्थान की जो मंडी लगती है भादरा की, वहाँ भी इनका ये जो गुलाब है मशहूर है, वहाँ जाता है नाथू सरीकला गांव की। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और इसके साथ एक बहुत बड़ी बात जहाँ हमारे सामने आ रही है कि इन किसानों ने यहाँ फूलों की खेती के साथ साथ, हम आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें कि फूलों की खेती के साथ साथ इन्होंने जो यहाँ है मधुमक्खी पालन के लिए भी इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया है। कि हमें ये बता दें कि फूलों और मधुमक्खी का जो है ये बड़ा एक दूसरे का साथ है। ये मधुमक्खी जो पालन है इसमें भी किसान जो है शहद से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुलाब की खेती के अंदर हम घूम रहे हैं, देसी गुलाब की जो ये वैरायटियाँ हैं जो यहाँ लगी हुई है, बहुत कम ज़मीन पे ये जो इन्होंने जो खेती करके अच्छा ये मुनाफा जो किसान कमा रहे हैं। हमारे साथ आप किसानों की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो 7 किसान हैं, ये ग्रुप है 5 किसानों का, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।